वेलकम टू स्मार्ट किड्स, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 10, गेटिंग टू नो इंडिया न्यू एनवायरनमेंट स्टडी पार्ट 1 इंग्लिश। बच्चों, हम क्लास 5 में बहुत ही अच्छे से लेसन पढ़ने जा रहे हैं एनवायरनमेंट स्टडी पार्ट 1 इंग्लिश में। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 10, गेटिंग टू नो इंडिया। जैसे बच्चों, हमारी जो कंट्री इंडिया है, तो हमारी जो कंट्री इंडिया है, जैसे हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारा जो वर्ल्ड है, तो उसमें ऐसे बहुत सारी कंट्री है और कंट्री के अंदर बहुत सारी सिटी है, लेकिन हम इंडिया में, जैसे हम कंट्री इंडिया में रहते हैं, तो लेकिन ऐसा तो नहीं, इंडिया में जो रहते हैं वैसे बहुत सारी सिटीज़ है, जैसे कानपुर हो गया, नागपुर हो गया, बम्बई हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब क्या है, हमारी सिटी है। ये उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब हमारी एक सिटी है, जहाँ पे हमारा विलेज भी है हमारी कंट्री इंडिया में और सिटीज़ भी है। तो आज का जो लेसन है, हम इंडिया के बारे में जानेंगे कि हमारे इंडिया का मैप कैसा है। जैसे हमने मैप के बारे में पढ़ा कि मैप बनाने से हमें वो प्लेसेस को ढूंढने में आसानी होती है, जैसे हमें एग्रीकल्चर का मैप बनाना है, या विलेज का मैप बनाना है, सिटी का बनाना है, या हमारे एरिए कॉलोनी का बनाना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, उसके लिए आप सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो, उसका नाम दे सकते हो, ये पोस्ट ऑफिस है, ये स्कूल है, कॉलेज है, ये हॉस्पिटल है, ये पार्क है, तो आप इसको आसानी से नेम दे सकते हो। तो यहाँ पे जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम इंडिया के मैप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मेक फ्रेंड्स विथ मैप। जैसे अगर क्लास में आपको टीचर प्रोजेक्ट देगी कि आपको मैप बनाना है, जैसे मैंने आप बनाया, जैसे आप कोई फील्ड ट्रिप पे जा रहे हो या अम्यूजमेंट पार्क पे जा रहे हो, तो देखो जो वहाँ पे जो गाइडर रहते हैं, वो आपके हाथ में क्या देते हैं, एक हैंडबुक देते हैं, एक मैप देते हैं, जिससे आपको वो चीज़ों को ढूंढने को मिले। अगर आपको फूड स्टॉल ढूंढना है, या आपको फूड स्टॉल ढूंढना है, या आपको बोलते हैं ना रेस्टोरेंट ढूंढना है, या आपको राइड्स पे जाना है, तो देखो वो मैप पे क्या बने होते हैं, बच्चों प्लेसेस के नाम लिखे होते हैं, आप आइसक्रीम स्टॉल हो गया, राइड हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, तो वहाँ पे हर चीज़ों का एक सिंबल बना होता है। मेक फ्रेंड्स विथ मैप, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया गिवन बिलो, इट शो द डिफरेंट रिवर्स इन इंडिया, यू मस्ट बी फैमिलियर विद सम ऑफ द नेम्स द ऑफन मेंशन इन पैट्रियोटिक सॉन्ग। Our country is rich with many rivers, mountain, plateau. Some of them have been shown on the map. Which of the names given on the map seem familiar? Where have you read about them on the map? Encircle the name you know. जैसे हमने direction के बारे में पढ़ा था, हमने अभी map के बारे में हम पढ़े कि जैसे हर area का map होता है, जैसे हमारा जो world है, देखो एक वर्ल्ड मैप भी होता है, लेकिन जैसे हमारे वर्ल्ड में तो बहुत सारी कंट्री है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया है, लेकिन जब हम कंट्री इंडिया में रहते हैं, तो वहाँ का मैप देखेंगे कि हमारी कंट्री में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ऐसी बहुत सारी प्लेसेस है, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको देखने को मिलेंगे, और आपको रिवर्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर हम पैट्रियोटिक सॉन्ग गाना गाते हैं, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वह बहुत ही अच्छा है, और हमारी कंट्री में बहुत सारे रिवर्स है, बहुत सारे पहाड़ है, बहुत सारे प्लेटूस है, और इनके आप नेम देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हमारा कंट्री इंडिया है, तो यहाँ की जो मेजर रिवर क्या है, जैसे हिमालय माउंटेन है, पंजाब है, हिमाचल है, डेजर्ट है, मारवाड़ है, कांच है, और अरावली रेंज है, मेवाड़ है, मलवा है, हिमालय है, छोटा नागपुर प्लेटू है। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन देख रहे हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, डेक्कन प्लेटू है। तो यहाँ पे जो हमारा जो है, आप देख रहे हो इंडिया का मैप, तो यहाँ पे आप जो ये इंडिया के साइड में आपको एक अरबियन सी, यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल में आपको यहाँ पे पानी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ की जो रिवर्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि रिवर्स आपको क्या देखने को मिल रहा है, रिवर्स का कोई सिंबॉल दिया गया है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वाकई आप रिवर बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे रिवर का सिंबल ऐसा दिया है। तो यहाँ पे रिवर्स कहाँ है हमें देखने पड़ेंगे, यहाँ पे पूरा हमारा इंडियन ओशन है, समंदर बहुत ही बड़ा है, तो रिवर हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, जैसे रिवर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे रिवर आप देख रहे हो, यहाँ पे कौन से साइड में देख रहे हो आप, साउथ के साइड में आपको रिवर देख रही, जैसे
पेरिवार, कावेरी, परमार, ये सब क्या है? हमारी कृष्णा नदी, ये सब क्या है बच्चों? हमारी रिवर है। मेक फ्रेंड्स विद मैप। अगर वाकई आप मैप बनाना चाहते हो तो आपको अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी है। आप ये एक ग्रुप प्रोजेक्ट कर सकते हो। आप क्लास में टीचर आपको एक्टिविटी देगी, तो यहाँ पे हमारा जो इंडिया का मैप आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको ओशन देखने को मिल रहा है और अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे उनकी हाइट आपको देखने को मिल रही है। स्टडी द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया कैरकुली, आंसर द क्वेश्चन, फाइंड द माउंटेन एंड नेम देम। जैसे अगर आपको माउंटेन ढूंढना है तो उनके नाम भी आपको बताना है। नेम द हिल्स शोन ऑन द मैप, मतलब वहाँ पे हिल्स कितने हैं। फाइंड एंड नेम द प्लेटूस इन द मैप, मतलब विच रिवर ओरिजिनेट द हिमालय एंड जॉइन द इंडस। कंसिडर द हाइट, राइट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। जैसे कौन सी रिवर जो है हिमालय और इंडस को ज्वाइन कर रही है, उनकी हाइट क्या है, उनका फ्लो क्या है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट द नेम ऑफ मेजर रिवर विच फ्लो इन टू कोरोमंडल कोस्ट। अभी यहाँ पे जो मेजर रिवर है उनके नाम आपको लिखने होंगे। स्टडी द नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी द कोर्स ऑफ द गंगा, नर्मदा, वैनगंगा, गोदावरी, कावेरी रिवर। नोट द स्लोप ऑफ लैंड इन ईच बेसिन, राइट द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप। जैसे यहाँ पे नर्मदा रिवर है, गंगा हो गई, जैसे गंगा जमुना का नाम सुना होगा, सरस्वती के बारे में सुना होगा, वैन गंगा का नाम सुना, गोदावरी के नाम सुना, कावेरी के बारे में सुना होगा, तो मतलब ये नदियाँ हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों, नंबर 7, फाइंड द लेक ऑन द मैप्स एंड नेम देम। अभी यहाँ पे जो लेक्स को ऑन द मैप आप देख रहे हो, फाइंड द नेम ऑफ द नेम द गल्फ्स एंड डायरेक्शन विच दे आर लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। अभी यहाँ पे आप फॉरेस्ट भी का भी सिम्बॉल बना सकते कि हमारे इंडिया में कितनी जगह फॉरेस्ट हैं। स्टडी नंबर 9, स्टडी द वाटर बॉडी द ऑन द 3 साइड ऑफ इंडिया, फाइंड देयर नेम एंड राइट द डायरेक्शन विच दे आर लोकेटेड। अभी यहाँ पे आपको वाटर बॉडीज ढूंढना है कि यहाँ पे कितनी जगह पानी की जगह, जैसे लेक हो गया, रिवर हो गया, ओशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड ग्रुप, राइट द नेम ऑफ द आइसलैंड। अभी आपको आइसलैंड के नाम लेन लिखने होंगे। विच रिवर, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच रिवर बेसिन इज लोकेटेड इन द नॉर्थन इंडिया, नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया। अभी आपको बताना है कौन सी रिवर जो हमारे नॉर्थन प्लेट ऑफ इंडिया बना। जैसे आप बता सकते हो कि हमारे कंट्री में कितने डेजर्ट है, कितने रेगिस्तान है, कितने फॉरेस्ट है, कितने प्लेन्स है, आप देख रहे हो। तो ये आपको सिंबल बनाना होगा। जैसे आप अगर फ्रेंड्स के साथ एक्टिविटी कर रहे हो, मैप बना रहे हो, तो आपको सिंबल बनाना होगा। We learnt about the physical setup of India with the help of map and the question given with it. Our country comprise various river, mountain, plateau, plains, Iceland. The Indian subcontinent is surrounded by water on 3 sides and topper towards the south. This part is called the Indian Peninsula. जैसे हमारी जो कंट्री में आपको बहुत सारी रिवर्स देखने को मिलेगी, माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, प्लेटू, प्लेन्स, आइसलैंड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हमारी कंट्री को क्या पानी पूरा सराउंडेड किया है। This part is called the Indian Peninsula. Our northern border is defined by the lofty Himalaya range. Our country has forest, plain, desert. मतलब हमारी कंट्री में आपको क्या देखने को मिलेगा? Forest, plain, desert. The expanse of our country is large. The expanse of country is large. The height above sea level varies and goes up even beyond 8,000 meter. Therefore, the weather condition change from region to region gives rise to wide variety of plants, animals and birds. Similarly, there is also difference in the crop cultivated. Wheat is primary crop in the north. Rice is a primary crop in the south and along the coast. Jawar is produced on large scale in the central India. जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी कंट्री है वो एग्रीकल्चर कंट्री, हमारी जो कंट्री है एग्रीकल्चर कंट्री है, कि यहाँ पे आपको, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको माउंटेन, प्लेटू और हिल्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, डेजर्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारी जो राइस की जो क्रॉप होती है वो क्या है, एक क्या बन जाती है नॉर्थ में बच्चों, एक मेजर। जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे, बर्ड्स देखने को मिलेंगे, एनिमल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो क्रॉप्स है, मतलब क्रॉप्स अच्छी तरह से ग्रो होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मतलब उनकी जो है, मतलब उनकी जो वीट हमारी जो नॉर्थ साइड की है, जैसे हम जो नॉर्थन इंडियन रहते हैं, मतलब वीट हमारी प्राइमरी क्रॉप बन जाती है, लेकिन जो राइस है वो साउथ वाले के लिए एक प्राइमरी क्रॉप बन जाती है। उनके साथ यहाँ पे कोस्टल वाले लोग के लिए भी जो राइस है उनके लिए प्राइमरी क्रॉप बन जाती है। जवार इज प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल इन सेंट्रल इंडिया। अभी जो जवार की जो क्रॉप होती है बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होती है सेंट्रल इंडिया में।
दिस डाइवर्सिटी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन लाइफ स्टाइल कस्टम ट्रेडिशन एंड कल्चर. मतलब जो डाइवर्सिटी है सिग्निफिकेंट, जैसे लाइफ स्टाइल को लेके हो गया, कस्टम को लेके हो गया, ट्रेडिशन कल्चर, ये मतलब हमारी कंट्री इंडिया में बदलाव आता है. अभी यहाँ पे मार्शी रीजन देख रहे हो, जैसे यहाँ पे पीपल ऑफ मेनी डिफरेंट कास्टेस ट्राइब्स एंड रिलीजन लिव इन अवर कंट्री. जैसे हमारी कंट्री इंडिया है तो यहाँ पे बहुत सारे हर मज़हब के मानने वाले लोग रहते, चाहे वो हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, पंजाबी हो गए, जैन हो गए, ब्राह्मण हो गए, कैथलिक हो गए, मतलब हर मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं. तो मैनी डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन, मतलब हर तरह की लैंग्वेज बोली जाती, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, उर्दू हो, बंगाली हो, मद्रासी हो, तमिल हो, तेलुगु, तुलू हो, गुजराती हो, हर तरह की लैंग्वेज बोली जाती है. वी ऑल्सो सी डिफरेंसेस इन फूड क्लोथिंग फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन इन द डिफरेंट रीजन. मतलब हमारी जो कंट्री इंडिया है तो यहाँ पे जो हर मज़हब के मानने वाले लोग होते, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी हो गए, जैन हो गए, ब्राह्मण हो गए, हर तरह की लैंग्वेज बोली जाती है. पंजाबी हो गई, हिंदी हो गई, मराठी हो गई, उर्दू हो गई, इंग्लिश हो गई, तमिल, तेलुगु, हर तरह की, कन्नाडा हो गई, हर लैंग्वेज बोली जाती है. लेकिन यहाँ का जो खाना है, जैसे हर मज़हब के मानने वाले उनका जो खाना है, गुजराती हो गया, साउथ फूड हो गया, हमारा जो मुस्लिम फूड हो गया, अजैन फूड हो गया, उनका वो जो क्लोथिंग है, उनका ड्रेसिंग स्टाइल भी बिल्कुल डिफरेंट होता है. उनका फेस्टिवल भी हो गया, जैसे मुस्लिम ईद, रमज़ान ईद सेलिब्रेट करते हैं, फास्टिंग करते हैं, जो हिंदू रहते हैं वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, रक्षाबंधन, ऐसे उनके बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं. होली हो गया, दशहरा हो गया, नवरात्रि हो गया, जो कैथलिक है वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं हमारी कंट्री इंडिया में. तो आइए आज हम इंडिया, हमारी कंट्री इंडिया का मैप हम अच्छी तरह से एग्जामिन करेंगे. मेक फ्रेंड्स विद मैप. अगर आप वाकई मैप बनाना चाहते हो तो टीचर आपको एक प्रोजेक्ट देगी, आपको एक फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है, उसमें आपको मैप बनाना होगा. तो ये हमारी जो कंट्री इंडिया देख रहे हो, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, जैसे हमारा जो नॉर्थ है, नॉर्थ जो है वो हमारा नॉर्थ साउथ देख रहे हैं. जैसे हमारा जो ईस्ट है वो राइट साइड में जा रहा है, जो वेस्ट है लेफ्ट साइड में जा रहा है, नॉर्थ साउथ अब देख रहे हो. तो यहाँ पे जो हमारा जो नॉर्थ में हमें आपको कौन सी प्लेसेस देखने को मिल रही है, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर आपको देखने को मिल रही है. यहाँ पे हिमाचल है नॉर्थ साइड में, पंजाब है, उत्तराखंड है, न्यू दिल्ली है, राजस्थान है, जयपुर है, उत्तर प्रदेश है, लखनऊ है. अरे इसमें आपको क्या क्या कौन कौन सी प्लेसेस आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो. अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मेघालय है, सिक्किम है. और वेस्ट में आपको क्या देखने को मिल रही है, राजस्थान है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है. और साउथ में आपको क्या देखने को मिल रही है, साउथ में तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगा, ये सब सारी चीज़ें आपको, आप बहुत सारी आपको सिटी देखने को मिल रही है. तो यहाँ पे अरबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है. और तो कि यहाँ पे एक सिंबल भी दिया गया कि जैसे ये लाइन जो है हमारी क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये पिंक वाली स्टेट बाउंड्री है, और ये हमारा नेशनल कैपिटल है, ये जो डॉट है स्टेट है, जो सर्कल है कैपिटल ऑफ कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी. तो ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हो, इंडियन ओशन हो गया. तो इस तरह से हमारा जो मैप है बनाया गया है. स्टडी द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया गिवन, ऑब्जर्व एंड अबाउ एंड आंसर द क्वेश्चन. जैसे फाइंड अवर स्टेट, कलर इट विथ योर फेवरेट कलर, राइट द नेम ऑफ इट्स कैपिटल. जैसे हमारा जो स्टेट का, हम कौन सी सिटी में रहते हैं, सब एग्जाम्पल हम बॉम्बे में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र हमारा कैपिटल हो गया. विच इज़ द नॉर्थ मोस्ट स्टेट, विच इज़ द साउथ मोस्ट स्टेट. अभी आपको बताना है कि नॉर्थ मोस्ट स्टेट में क्या कौन सी प्लेसेस है. जैसे मैंने आपको बताया नॉर्थ मोस्ट में आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, ये सब आपको देखने को मिलेगा. साउथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगा, कर्नाटका, ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. कलर द स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड डिफरेंट कलर, राइट द नेम ऑफ द कैपिटल. अभी नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, नॉर्थ ईस्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी प्लेसेस आ रही है, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल. कलर द लार्जेस्ट स्टेट इन येलो एंड सर्कल इट्स कैपिटल. अभी जो लार्जेस्ट स्टेट है, लार्जेस्ट स्टेट क्या आपको देखने को मिल रहे हैं, जो सबसे बड़ा स्टेट है,
यहाँ पे देखो आपको मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये सबसे बड़े बड़े स्टेट में आते हैं। वर्ड डू द नेम्स इन रेड लेटर शो। अभी रेड लेटर में कौन कौन सी चीजें हैं आपको जो रेड लेटर से लिखी गई है, जैसे चंडीगढ़ लिखी गई है, और डीएन दादरा एंड नगर हवेली, डीडी दमन एंड दीव, DNH दादरा एंड नगर हवेली, DD दमन एंड दीव, PR पडुचेरी। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक, इंडिया इज अ डेमोक्रेट, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पब्लिक, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, कंसिडरिंग द एरिया राजस्थान इज अ, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पब्लिक, जैसे हमारी जो कंट्री इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है कि यहाँ पे हर मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई पंजाबी है, ब्राह्मण है, जैन है, लेकिन जो हमारी जो कंट्री इंडिया का जो कैपिटल है वो क्या है, न्यू दिल्ली है। कंसिडरिंग द एरिया राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया जो राजस्थान है वो सबसे लार्जेस्ट स्टेट में बाहर है। इट इज फॉलो बाय द मध्य प्रदेश महाराष्ट्र इन द थर्ड प्लेस। गोवा इज द स्टेट विद द स्मॉलेस्ट एरिया, जैसे मैंने आपको बताया जो राजस्थान है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट है हमारी कंट्री इंडिया का, लेकिन वो कहाँ लोकेटेड होता है, जैसे हमारा जो मतलब वो किसको फॉलो करता है, मध्य प्रदेश को, जो हमारा जो महाराष्ट्र है वो थर्ड प्लेस में आता है, जैसे आजकल जो बॉम्बे में आजकल हमारा जो पॉपुलर सिटी बन गया है, लेकिन जो गोवा है, गोवा जो का जो स्टेट है बहुत ही स्मॉलेस्ट है, बहुत ही छोटा है। लेट ईच पर्सन इन द क्लास चूज वन स्टेट, यूज द फॉलोइंग पॉइंट टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट। सोशल एंड कल्चरल फीचर, लैंग्वेज, फेस्टिवल, क्लोथिंग, डांस फॉर्म, जैसे मैंने आपको मैंने बताया जैसे कि हमें आपको एक सिटी को सिलेक्ट करना है, इसमें जैसे इसमें कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, उसमें कौन से फेस्टिवल होते हैं, कौन से कपड़े पहने जाते हैं, कौन से डांस किए जाते हैं। जैसे सपोज एग्जाम्पल आपने क्या ले लिया, आपने गुजरात ले लिया, गुजरात की लैंग्वेज क्या होती है, गुजराती, उनका फेस्टिवल जैसे गरबा आता है, नवरात्रि आता है, उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल रहता है, जैसे वो क्या खाते, कचौरी बनाते, जलेबी बनाते, फाफड़ा बनाते, उनका गुजराती स्टाइल में डांस होता है, डांडिया खेली जाती है। तो हमें एक एक सिटी को चुनना, जैसे बॉम्बे हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब हमें सिटी को, दिल्ली हो गया, हमें एक एक सिटी को चुनना, उनका फूड लिखना है, लैंग्वेज लिखना है कि कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं, उनका फेस्टिवल क्या होता है, उनका कपड़ा क्या होता है। ज्योग्राफिकल फीचर, लैंड फॉर्म, वाटर बॉडीज एंड फॉरेस्ट एक्सेट्रा। अभी यहाँ पे ज्योग्राफिकल फीचर्स देख रहे हो कि लैंड फॉर्म क्या है, मतलब जो लैंड फॉर्म आप देख रहे हो कि लैंड फॉर्म कितनी ज़मीन है, और वाटर बॉडीज कितनी है, और फॉरेस्ट कितने हैं, वो आपको सबके एक्सेट्रा। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, द इंटरनेट, टेलीविजन, योर टीचर टू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन। अभी अगर कहीं आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आप किसकी हेल्प ले सकते हो, स्कूल लाइब्रेरी की, न्यूज़पेपर की। आपको जैसे आपको ये बनाना है, अब जैसे आपको सब पता नहीं कि कौन सी सिटीज़ की कौन सी क्या लैंग्वेज है, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कानपुर हो गया, नागपुर हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उनका क्या लैंग्वेज है, उनकी क्या फेस्टिवल है। जैसे अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आप लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, या आप गूगल पे जाके इंटरनेट, टेलीविज़न में अपनी टीचर की भी हेल्प आउट ले सकते हो। यूज ए ब्रेन पावर। नंबर वन, विच इज़ द स्टेट नेक्स्ट टू अस विच इज़ वॉज फॉर्म इन 2014, मतलब यहाँ पे जो स्टेट है 2014 में कौन सा हमारा जो स्टेट आया था, आपको उसका नाम लिखना है। हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन इंडिया, अभी हमारे कौन सारे कितने स्टेट है हमारे इंडिया में, जैसे आपको राजस्थान बताया, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका, ये हमारे स्टेट है। इन विच स्टेट इज़ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट मेनली लोकेटेड, अभी यहाँ पे जो लोग हमारा जो डेजर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया जो रेगिस्तान है, तो यहाँ पे जो डेजर्ट कहाँ पे आ रहा है आपको देखना है कि डेजर्ट कहाँ है। मोस्टली राजस्थान या गुजरात के साइड आपको, या जैसलमेर के साइड आपको डेजर्ट देखने को मिलेंगे।
Now make chart of the information you have collected and put them in the classroom. While doing this, do not forget the Union Territory. In this day, we will have a display of each state Union Territory in your classroom. जैसे आपने अगर वाकई मैप बना लिया तो आप अपने क्लासरूम में डिस्प्ले कर सकते हो, नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर सकते हो कि आप अच्छे तरह से मैप को एग्जामिन कर सके. वी ऑल्सो नोटिस डिफरेंस इन द क्रॉप्स प्रोड्यूस इन द डिफरेंट रीजन. लेट अस फाइंड आउट वेयर द कॉफी टी ऑरेंजेस मैंगो एक्सेट्रा डेट वी सी इन द मार्केट कम फ्रॉम हाउ दे रीच अस. सी द मैप ऑन द नेक्स्ट पेज. जैसे अभी आपने मैप तो बना लिया, जैसे आपने सिटीज का मैप बनाया, जैसे सिटीज़ का आपने सिंबल भी बना दिया कि यहाँ पे कौन कौन से सिटीज़ है, कौन कौन से प्लेसेस है. लेकिन अगर वाकई आपको मैप बनाना है तो आपको सब ये सब भी बतानी होगी कि कॉफ़ी कहाँ है, टी कहाँ है, ऑरेंज कहाँ है, मैंगोज़ कहाँ हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हो, डू यू नो, ये बहुत ही अच्छा सा लेसन है जो आप ये आज का जो लेसन है. आप अपार्ट फ्रॉम द इंडियन मेनलैंड सर्वल ग्रुप ऑफ आइसलैंड ऑल्सो इंक्लूड इन द इंडियन टर्शियरी. नंबर वन द लक्षद्वीप आइसलैंड इन द अरेबियन सी. इन द अरबियन सी लक्षद्वीप आइसलैंड अरबियन सी में आता है. द अंडमान निकोबार आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल. अभी यहाँ पे जैसे मैंने अंडमान निकोबार कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो. जो अंडमान निकोबार आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप मैंने आपको बताया, जैसे ये बे ऑफ बंगाल में आ रहा है. नंबर थ्री द कोस्टल आइसलैंड नियर द इंडियन मेनलैंड. अब यहाँ पे कोस्टल आइसलैंड क्या है, कोस्टल आइसलैंड नियर द इंडियन मेनलैंड. कोस्टल आइसलैंड कहाँ आ रहा है, इंडियन आइलैंड में आ रहा है. ऑल दिस आइसलैंड हैव स्ट्रेटेजिक लोकेशन फ्रॉम द डिफेंस पॉइंट ऑफ द वी लॉन्ग अगो फोर्ट वर बिल्ट ऑन सम ऑफ दिस आइसलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र टू सेफ गार्ड द कोस्ट. दिस हिस्टोरिकल फोर्ट आर नोन एज सी फोर्ट. वी कैन सी सर्वल सच फोर्ट अलॉन्ग द कोकन कोस्ट. अभी यहाँ पे आपने बहुत सारे फोर्ट देखा होगा, जैसे हमारे मैंने आपको महाराष्ट्र के बारे में बताया, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जैसे कानपुर हो गए, नागपुर हो गए. तो हर सिटीज में क्या होता है, एक फोर्ट होता है, एक फोर्ट बना होता है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो जंजीरा सी फोर्ट, यहाँ पे देखो एक फोर्ट बनाया गया है, एक ये जिसका नाम क्या रखा है, जंजीरा सी फोर्ट रखा गया है. ये कहाँ पे हमारे कोकन साइड में आ रहा है. मेक फ्रेंड्स विद द मैप. जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इंडिया का मैप तो बनाया है, लेकिन आपको फ्रूट भी मेंशन करने हैं. जैसे आपने बता दिया कि ये बाउंड्री है, ये कैपिटल है, ये रिवर्स है, ये एयरवे है, ये वाटरवे है, जैसे आपने बनाया है. लेकिन साथ में आपको क्या, आपको फ्रूट्स भी मेंशन करने होंगे. जैसे बहुत से लोग क्रॉप्स भी मेंशन करते हैं, वेजिटेबल्स भी मेंशन करते हैं. तो आपको क्या मेंशन करने हैं, फ्रूट्स भी मेंशन करने हैं कि यहाँ पे जैसे आपने एप्पल का सिंबल बनाया, मैंगो का बनाया, सैफ्रन का बनाया, क्लोज का, ऑरेंज, ऑनियन, कॉफ़ी का बनाया. तो आप क्रॉप्स भी ऐड कर सकते हो, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, सारी चीज़ें, क्लोथ भी ऐड कर सकते हो. आप उसका सिंबल बना के हर जगह आप मेंशन कर सकते हो. जैसे हमारा जो इंडिया है, इंडिया का मैप देख रहे हो आप, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे क्या है, सैफ्रन है, और ये टी है. टी कहाँ पे, सिक्किम में आ रही है, मेघालय में क्या आ रही है, आसाम में. टी आपको कहाँ देखने को मिल रही है बच्चों, आसाम और सिक्किम में देखने को मिल रही है. और आपने देखा एप्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, श्रीनगर और जम्मू झारखंड में देखने को मिलेगा. अनियन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नासिक में देखने को मिलेगा. महाराष्ट्र और नागपुर, और ऑरेंज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र नागपुर. और एप्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में देखने को मिलेगा आपको. टी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, सिक्किम और आसाम में. सैफ्रन आपको कहाँ देख रहे हो, श्रीनगर में आपको देखने को मिल रहा है. अनियन नासिक में देखने को मिल रहा है. ऑरेंज आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, नागपुर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है. यहाँ पे कॉफी आपको कहाँ देखने को मिल रही है, केरला साइड में आपको देखने को मिल रही. तो ये सब सारी चीजें आपको मेंशन करनी है.
Study the map given above carefully. This map show some of the crops and transport route in India. And जैसे आपने मैप बनाया, मैप में सारे फ्रूट्स आपने मेंशन किए, क्रॉप्स मेंशन की, लेकिन ये सब जो क्रॉप्स को अगर हमें लाना है, एक शहर से दूसरे शहर लाना होता है, एक सिटी से दूसरी सिटी लाना होता है, तो हम किसका किस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं वो भी हमें मेंशन करना होगा. आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द मैप. फ्रॉम वेयर वील ऑब्टेन सैफ्रॉन, ट्रेस द मोस्ट कन्वीनियंट रूट. कन्वीनियंट रूट इन नंबर टू, इन विच स्टेट इज टी ग्रोन, मतलब कौन से स्टेट में, जैसे मैंने आपको आसाम बताया, सिक्किम बताया. नंबर थ्री, फाइंड द रूट टेकन टू ब्रिंग क्लोज इन टू आवर स्टेट इन ट्रेजिट. नंबर फोर, फाइंड द स्टेट इन विच एप्पल्स आर ग्रोन, सर्कल देयर नेम्स. फाइंड द रूट टू डिलीवर ऑरेंज फ्रॉम नागपुर टू बीकानेर ट्रेजिट. जैसे आपको बताया मैंने कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिली, श्रीनगर और जम्मू में आपको एप्पल देखने को मिल रहा है, सैफ्रन आपको श्रीनगर में देखने को मिल रहा है, सिक्किम आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल, अरे यहाँ पे टी आपको कहाँ देखने को मिल रही है, सिक्किम और आसाम में. ऑरेंज आपको नागपुर महाराष्ट्र में, और अनियन आपको नासिक में देखने को मिल रहा है. मैंगो कहाँ देखने को मिल रहा है, मैंगो आपको बॉम्बे में देखने को मिल रहा है. और कॉफ़ी आपको केरला में देखने को मिल रही है. क्लू आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, केरला में हो गया. Find a route to deliver coffee and mango to West Bengal and trace it. Number 7. How will you send onion from Maharashtra to Arunachal Pradesh? जैसे आपने आपको बताना है कि ये कॉफ़ी कहाँ से डिलीवर की जाती है, वेस्ट बंगाल से कैसे लेके जाई जाती है, आप अनियन महाराष्ट्र से अरुणाचल प्रदेश तक कहाँ तक कैसे भेजते हो, वो आपको ये सब सारी चीज़ें मैंशन करनी है. What is the solution? Harsh and Tanishka live in Mumbai. They want to see the Andaman Nicobar Island. अभी जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम बॉम्बे के रहने वाले हैं या हम नागपुर या कानपुर के रहने वाले हैं, हम कोई भी सिटी से रहते हैं. अभी यहाँ पे जैसे हमने देखा कि हर्ष और तनिष्का कहाँ पे रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, लेकिन उन्हें क्या देखना है, वॉट दे वॉन्ट टू सी, दे वॉन्ट टू सी अंडमान निकोबार आइसलैंड. फर्स्ट दे आर गोइंग टू सी देर अंकल इन चेन्नई. सबसे पहले क्या देखने जा रहे हैं, वो सबसे पहले वो अपने अंकल से मिलने जा रहे हैं. कहाँ पे मिलने जा रहे हैं, अपने चेन्नई में अपने अंकल से मिलने जा रहे हैं. आफ्टर डैट दे विल विजिट द आइसलैंड. उसके बाद वो कहाँ पे, आइसलैंड में विजिट करेंगे, वो आइसलैंड देखेंगे, अंडमान निकोबार का आइसलैंड देखेंगे. टू मेक दिस ट्रिप विच ऑफ द रूट्स आर, टू मेक दिस ट्रिप विच ऑफ द रूट्स ऑन द मैप ऑन पेज 49 विल दे हैड टू टेक. विल यू हेल्प देम बाय ट्रेसिंग द रूट ऑन द मैप. अभी यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे पेज नंबर 49 आप देख सकते हो. तो यहाँ पे पेज नंबर 49 में मैप दिए हैं, वहाँ पे उनका रास्ता भी दिखा है. रास्ता भी आपको दिखाना हो कि जैसे यहाँ पे जो हर्ष तनिषा है बॉम्बे में रहते, लेकिन उन्हें अंडमान जीरो निकोबार का आइसलैंड देखना है, लेकिन वो सबसे पहले चेन्नई जाएंगे, चेन्नई में अपने अंकल से मिलेंगे. कि बाद में वो किसका, कौन सी ट्रिप का, किस कौन सा ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो वो बाई ट्रेन भी जा सकते हैं या बाई प्लेन भी जा सकते हैं, और बसेस वगैरह से तो नहीं जा सकते वो, किससे, या बाई ट्रेन या बाई प्लेन जा सकते हैं. Always remember, there is a diversity of plants and animal birds in our country. We can easily see this in forest region. We must preserve this diversity. अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम कंट्री इंडिया में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स हमारी कंट्री में देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट भी है, जो बहुत हमारी जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर कंट्री, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्रॉप्स अच्छे ग्रो होते हुए नज़र आएंगे. अभी यहाँ पे हमने क्या सीखा, व्हाट यू लर्नड, हमने सीखा क्या है.
वी स्टडी इंडिया विद द हेल्प ऑफ मैप. हमने स्टडी किया इंडिया के मैप का स्टडी किया, इंडिया को स्टडी किया, वो भी किसका इस्तेमाल किया है, मैप का इस्तेमाल किया है. वी स्टडी द लैंडफॉर्म एंड वाटर बॉडीज इन इंडिया. हमने किसका के बारे में पढ़ा, जैसे हमने इंडिया के बारे में पढ़ा, वो भी किसका इस्तेमाल किया, इंडिया के बारे में हमने पढ़ा. तो हमने मैप को अच्छी तरह से स्टडी किया, अच्छी तरह से एग्जामाइन किया, और हमने लैंडफॉर्म के बारे में भी पढ़ा, और हमने वाटर बॉडीज, रिवर, लेक, स्ट्रीम, डैम्स के बारे में पढ़ा. नंबर थ्री, थ्रू एक्टिविटीज वी ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस लैंग्वेजेस, क्लोथ, फेस्टिवल एंड अदर्स फीचर ऑफ इंडिया. जैसे हमने डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, कपड़े के बारे में पढ़ा, फेस्टिवल के बारे में पढ़ा, डिफरेंट कास्टस के बारे में पढ़ा, कि हमारी जो कंट्री इंडिया है यहाँ पे हर मज़हब के मानने वाले होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनका जो खाना है, फूड है, कस्टम है, लैंग्वेज है, जैसे यहाँ पे हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ा, हर लैंग्वेज बोली जाती है, हर फेस्टिवल मनाया जाती है, चाहे वो ईद हो गया, होली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, दही हंडी हो गया, गणेश, गणपति हो गया, दिवाली हो गया, हर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. वी आइडेंटिफाई सम क्रॉप एंड ट्रांसपोर्ट रूट इन इंडिया. अभी यहाँ पे हम बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वीट हो गया, राइस हो गया, ज्वार, बाजरा, बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, लेकिन हम उसके लिए ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम बाय ट्रेन या बाय प्लेन, क्योंकि ये बाय बस भी बहुत सारी बाय बस, बाय ट्रक का भी इस्तेमाल करते हैं. तो आप हम या तो बाय ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम बस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ट्रक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ट्रेन का, या हम एरोप्लेन का, जिससे हमारा जो फूड है एक सिटी से दूसरी सिटी तक आसानी से पहुँच जाएगा. तो आई होप आज का जो लेसन है लेसन नंबर टेन गेट यू टू नो इंडिया, आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू.